महकमे सेहत की संगीन लापरवाही खतरा बन गई। फ्लू वैक्सीन की खरीदारी 2 माह से सर्द खाने की नज़र। केसेज में तेजी से इजाफे के बावजूद वैक्सीन ना खरीदी गई। हाई रिस्क अफराद को शदीद मुश्किलात। रवा सीजन में वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने फ्लू वैक्सीन की 25,000 खुराकें खरीदने का अमल शुरू किया। महकमे प्राइमरी हेल्थ में उखाड़ पछाड़ के बाद खरीदारी रुक गई। हुकूमत स्ट्रक्चर प्लान रोड की फंडिंग के लिए तैयार। एलडीए सिटी की सुनी गई। तामीराती काम शुरू करने का फैसला। मंसूबे की तकमील से नए रास्ते खुलेंगे। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। चनाब रोड, हुंजा रोड, खुंजराब रोड और दीगर स्ट्रक्चर प्लान पर काम शुरू होगा। एलडीए लागत और डिजाइन का असर नौ जायजा लेगा। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट में हेर फेर का इंकशाफ। सर्च ऑपरेशन, खुली कचहरियों के गलत इदादोशुमार आईजी ऑफिस भिजवाए गए। इदादोशुमार को तस्दीक के लिए स्पेशल ब्रांच भिजवा दिया गया। रिपोर्ट के बायस रवामा की ग्रैंडिंग भी ना हो सकी। जिला लाहौर की तमाम 6 डिवीजन में अलहदा से रैंकिंग की जाएगी, जबकि SPs को हर माह कारकर्दगी दिखाने के बाद पोजिशन दी जाएगी। टॉप 10 समेत 243 बदमाश पुलिस के लिए छलावा बन गए। गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, हसन पहलवान शामिल, अमीर मुसब टीपू, अमीर फतेह टीपू, मियां हसीब उर्फ विकी भी फहरिस्त का हिस्सा। अली उर्फ भोला, तनवीर उर्फ टेढ़ा, अजहर उर्फ शाहिद भी शामिल। शहबाज उर्फ लाला, दिलावेज उर्फ भोली भट्ट को भी पकड़ा जाएगा। शहर में तजावजात माफिया का राज बरकरार। टाउनशिप मार्केट और अतराफ में तजावजात की भरमार। जगह जगह फल, सब्जियों और दीगर अशिया के स्टॉल्स मौजूद। शहरियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। LDA शोबाई हाउसिंग की जोहर टाउन में कार्रवाई। प्लॉट नंबर 90H को कब्जा माफिया से वागजार करा लिया। टीम ने भारी मशीनरी से आर्जी और पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी। 1,75,00,000 मालियत के प्लॉट पर नाजायज कब्जा था। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी फिर से लटक गई। बोली में हिस्सा लेने वाली 6 कंपनियों ने 60 की बजाय 100% शेयर का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन की मुद्दत 3 साल और पेंशन न देने पर भी तहफुजात सामने आ गए। मखसूस दरख्त को कोनोकार्पस ऑक्सीजन खाता है। दरख्त काटने पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वादत रोड मुअत्तल। डॉक्टर तहसीन रजाक के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में काटे दरख्तों की इकसाम बयान नहीं की गई। उधर हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज पर 3 असातिज़ा नौकरी से हाथ धो बैठे। राणा लियाकत, काशिफ शहजाद और मुदस्सिर हुसैन शामिल। नौजवानों की सेहत के साथ खिलवाड़ अब नहीं। फूड अथॉरिटी का ममनुआ गुटखा फरोख करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। जोड़े पुल दारोगा वाला में छापा। 1,000 पैकेट ममनुआ गुटखा तलफ। मुकदमा दर्ज, मुल्जम गिरफ्तार, भारी जुर्माना आयद। इंसानी स्मगलर्स वीजा फ्रॉड के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम को शमा कॉलोनी लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम से 6 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद किए गए। PTI कारकुनान के नजरबंदी के खिलाफ समाज। जस्टिस अली जिया बाजवा ने नजरबंदी का हुक्म कल अदम करार दे दिया। नजरबंदी के अहकाम की वजूहत कहाँ है। होम सेक्रेटरी समेत दीगर फ्रीकैन को कल के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। साबिक MPA अहसन रियाज फतियाना की दोबारा बाजियाबी का केस। SP इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन कैंट अदालत पेश। जस्टिस अलीजिया बाजवा ने कहा, लोग उठा लिए जाते हैं, आप किधर हैं? आपके इलाके से बार बार ऐसा हो रहा है। सेक्रेटरी वजारत दाखिला को नोटिस। अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली। कान्हा पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाबी का केस। हाईकोर्ट तफ्तीशी ऑफिसर्स के खिलाफ मुतलका दफात ना लगाने पर बरहम। DIG जीशान असकर से वजाहत तलब। जस्टिस अली जिया बाजवा ने कहा कि आपके इल्म में नहीं तफ्तीशी क्या कर रहा है। मुल्जम के बयान के बगैर कैसे तफ्तीश मुकम्मल हो सकती है। FIR कल कितने बजे दर्ज हुई। DIG बोले कि रात 12:30 बजे। पांच अक्टूबर के एहतजाज में पथराव और तशद्दुद के मुकदमात। ATC में 30 PTI कारकुनान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत।
प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब की। अदालत ने समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी पार्टी शदीद माली बहरान का शिकार, सभी फंड देने से कतराने लगे। एक जलसा करने का भी फंड मौजूद नहीं। कायम मुकाम सदर पंजाब हमाद अजहर की अराकीन असम्बली से फंड की डिमांड बेकार रही। चंद एमपीएस के अलावा किसी ने फंड्स ना दिए। बड़े स्पोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया। वज़ीर सनअत और तिजारत शाफी हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास, मयारी फनी तालीम के फरोग के लिए इकदामात को सराहा गया। बोले, मयारी फनी तालीम का फरोग मेरा अज़्म है। सूबाई वज़ीर के इम्तिहानी निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाने के लिए मुअस्सर इकदामात की हिदायत। डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीरे लेबर मलिक फैसल अयूब ने वेलफेयर ग्रांट्स के चेक तकसीम कर दिए। खिताब में बोले कि हुकूमत ने 50 साल तारीख के अंदर सबसे ज्यादा फंड तकसीम किए। तकरीब में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली, डीजी लेबर कुलसूम हई की भी शिरकत। टेक्निकल बोर्ड के तहत पोजिशन होल्डर सुलवर तालिबात के एजाज में तकरीब, 66 से जायद पोजिशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। वज़ीर सनअत शाफी हुसैन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अहसान गुट्टा और चेयरपर्सन टेक्निकल बोर्ड वसीमा उमर ने भी शिरकत की। मोटरबाइक रेस्क्यू सर्विस के 7 वर्ष मुकम्मल, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की शिरकत। बोले, मोटरबाइक रेस्क्यू सर्विस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट है। मोटरबाइक रेस्क्यू सर्विस ने इन जगहों तक पहुँचना मुमकिन बनाया जहाँ चैलेंजिंग था। रेस्क्यू 112 मजमूई तौर पर 1.5 करोड़ लोगों को सर्विसेज फ्राहम कर चुकी है। कमिश्नर लाहौर का ज़ेरे तामीर जदीद ई रजिस्ट्री सेंटर्स रायवंड और शालामार का दौरा। शालामार सेंटर का काम 100%, रायवंड का काम 90% मुकम्मल। इंस्टॉलेशन जारी। कमिश्नर लाहौर ने सेंटर्स में दाखिले, पार्किंग, वॉशरूम्स और तामीर शुदा हिस्से का मुआयना भी किया। लाहौर को क्लीन रखने का मिशन तेज है। डीसी के तहसील सदर में दौरे, जम्मू चौक, चाचू वाली गली और अतराफ में सफाई, तजावजात और डेंगू इकदाम का जायजा लिया। उधर डीसी सैयद मूसा रजा की जेर सदारत अहम इजलास, गलियों में टफ टाइल लगाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सीसीपीओ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन और कैंट डिविजन्स का इजलास, पब्लिक सर्विस डिलीवरी समेत पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। सीसीपीओ की चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम की हिदायत। हॉटस्पॉट एरियाज में ऑपरेशंस करने का हुक्म। आईबीबी रहनुमा राणा नजीर और शेख सिद्दीकी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। टिकट होल्डर मोहम्मद मुसद्दक चीमा और मुकामी रहनुमा भी मिले। रुबीना सुलहरी की भी शेख सिद्दीकी से मुलाकात। खवातीन को आईबीबी का दस्तोबाजू बनाने के लिए तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। ग्रीन टाउन में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड बांटने की तकरीब, एमपीए मियां इमरान जावेद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मियां इमरान जावेद ने माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड और नकदी तकसीम की। मुल्की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआ भी की गई। बिनाई का आलमी दिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेमिनार। वजीर सेहत सलमान रफीक, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज की शिरकत। सीईओ मीनू अस्पताल प्रोफेसर एहसन नुमान, प्रोफेसर फैसल मसूद और प्रोफेसर असद अहमद भी शरीक। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद मोइन ने ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर बच्चों के लिए तकरीब, चेयरपर्सन सारा अहमद की जेर क्यादत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहली मरतबा तकरीब का इनेकाद। बच्चों के दरमियान मेंटल हेल्थ के मौजू पर पेंटिंग का मुकाबला। लाहौर चैम्बर की क्यादत ताजरों के मसाइल हल करने के लिए पुराजम। हाल रोड इंडस्ट्रियल ट्रेडर्स और दीगर ताजर वफूद की चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर बोले, बिजनेस कम्युनिटी की हमायत याफ्ता अलायंस बरसरे इक्तदार आया। क्यादत बिजनेस कम्युनिटी को मायूस नहीं करेगी। के ईएम यूनिवर्सिटी में लाहौर यूथ फेस्टिवल की तकरीब, लोगो डिस्प्ले। तकरीब में वज़ीर सेहत सलमान रफीक ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, तलबा और डॉक्टर्स भी शरीक। फेस्टिवल 7 से 9 नवंबर तक जारी रहेगा। खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे।
मिनहाज यूनिवर्सिटी के एहतमाम सी फूड फेस्टिवल का आखिरी रोज डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा और म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज पेश की गई। डिप्टी चेयरमैन मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर हुसैन कादरी, वीसी डॉक्टर साजिद महमूद, सैयद नूर ने खसूसी शिरकत की। और नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल कराटे चैंपियनशिप कजाफी स्टेडियम में पुलिस एथलीट्स ने 6 मेडल्स जीत लिए। पुलिस टीम ने 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। पैटर्न पाकिस्तान पुलिस कराटे टीम शहजादा सुल्तान की मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात।